जाना पड़ेगा बिकॉज इट्स शाहरुख खान, दैट्स व्हाई। जवान फिल्म के बारे में इतना एक्साइटेड नहीं हूं क्योंकि अभी शाहरुख खान का हाइप चले गया है। वो तो यार ब्रांड है, उनके लिए क्या ही बोल सकते हैं। वो तो काफी मतलब उनका, वो तो एक्टर नहीं तो मैं तो उनको बोलूंगी वो तो एक ब्रांड ही है। वो तो थोड़ी की लाइक इसमें कास्ट मेरे को ज्यादा अच्छी लगी जवान में, सो लाइक नयनतारा एंड डायरेक्टर अतली, सो ये तो रिकॉर्ड तोड़ी की। एसआरके विद दीपिका बिकॉज ही हैज डन मच मोर फिल्म्स विद दीपिका एंड नयनतारा विद फर्स्ट फिल्म ही इज। आई होप सो 110% ये वीक में शाहरुख खान की जवान आ रही है एंड पूरा देश आई मीन एक्साइटेड है जवान को लेकर। देखने जाना पड़ेगा बिकॉज इट्स शाहरुख खान, दैट्स व्हाई। सेम आउट ऑफ 5 आई विल गिव अ टोटल 5 भैया। और एक और लास्ट सवाल कहना चाहता हूं, क्या लगता है जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी क्या? 100 आई होप सो 110% आई होप सो। जवान फिल्म के बारे में इतना एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि अभी शाहरुख खान का हाइप चले गया है। मेरे को कैसे ना एक्चुअली मतलब ज्यादा मैं वो एक्शन मूवीज में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बाकी आई विल डेफिनेटली लव, मुझे थोड़े रोम कॉम टाइप कॉमेडी मूवीज अच्छी लगती है। हाँ लाइट मूवी। शाहरुख खान के बारे में क्या ख्याल आपको लगता है? बहुत सारे लोग उनके टकले हैं। वो तो कुछ एक नया ही लुक है उनका, मतलब वो तो लुक मैंने कभी देखा ही नहीं, मतलब एकदम नया फ्रेश लुक है। आफ्टर इतने गैप के बाद वो वापस कम बैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छा सक्सेसफुल ही होना चाहिए ऑन स्क्रीन। शाहरुख खान के लिए भी क्या बेस्ट विशेष रहेंगी आपको? वो तो यार ब्रांड है, उनके लिए क्या ही बोल सकते हैं। वो तो काफ़ी मतलब उनका, वो तो एक्टर नहीं तो मैं तो उनको बोलूँगी वो तो एक ब्रांड ही है। वो तो थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ दिस न्यू यंगस्टर्स छूचा पुनीत अंकित और क्या है ये जो शर्मन जोशी वगैरह, हाँ और पंकज त्रिपाठी। नो मैच पंकज त्रिपाठी की नेक मूवमेंट और एक्टिंग सबसे सही है, और क्या ही बोल सकता हूँ। दैट्स अ डिफरेंट मूवी एंड इट्स पर्सपेक्टिव अलग है, लाइक इट वुड बी एक्शन फिल्म एंड जैसे कॉमेडी फिल्म, सो दोनों फिल्म अपनी अपनी जगह पर अच्छी है एंड लाइक या दोनों बीट रहेगी। अच्छा अगर आपने जवान का भी ट्रेलर देखा हो तो आपको जवान का ट्रेलर कैसा लगा? जवान का लाइक जवान का अच्छा है, जवान का अपनी जगह अच्छा है, एक्शन के मामले में सस्पेंस के मामले में वो जगह अपनी अच्छी है। शाहरुख खान को अप्रिशिएट करें फॉर हिज मासी लुक्स एंड ऑल, क्या कुछ हटके है एंड लाइक उसमें कास्ट भी हटके है, सो वो अपनी जगह अच्छी है एंड ये अपनी जगह अच्छी है, फुकरीज अपनी जगह अच्छी है। ओके एक और सवाल उसी के साथ साथ ज्वाइन करना चाहूँगा, क्या लगता है जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? सॉरी क्या लगता है जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ओवर द बॉक्स ऑफिस? वो तो तोड़ेगी, लाइक इसमें कास्ट मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी जवान में, सो लाइक नयनतारा एंड डायरेक्टर अतली, सो ये तो रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा एक और लास्ट सवाल है, एसआरके विद दीपिका और एसआरके विद नयनतारा? लाइक अभी के लिए तो दीपिका, बट जवान के बाद ही समझ में आएगा कि ऐसा के। ओके थैंक्स अ लॉट मैन, थैंक यू। जवान फिल्म आ रही है, सो जवान के बारे में आप क्या सोचती हो? जवान आई जस्ट लिसन दिस सॉन्ग एंड आई थिंक सो इट विल बी मच मोर समथिंग डिफरेंट बिकॉज there was Nayana Thara, that Telugu heroine, yeah, Telugu heroine. So, okay, Tamil heroine, yeah, she was Tamil. First time he is shooting with the Tamil heroine, so that's why I'm much more excited to see, but I did not saw the trailer of that, but I saw the song, so. अच्छा, poster वगैरह, फिर promos वगैरह आपने देखे होंगे, तो क्या? No, I did not saw. जो लोग हैं, वो काफी लोग चर्चे में हैं और लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? I think so. रहेगा क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत नहीं देखी post इसलिए. अच्छा चलेगा, ठीक है, एक last सवाल देना चाहूँगा, इसमें दीपिका पादुकोण भी है और नयनतारा भी है, yeah. तो आप कौन सी सबसे ज्यादा जोड़ी पसंद आती है?
बेस्ट विशेज ही विल कम अप विद द मच मोर बट दिस हाँ गुड कॉन्टेंट या थैंक यू.